फिर हमारे पास एक है पर्सनलाइज का जो ऑप्शन है, उसमें ये बैकग्राउंड वगैरह हम अपने थीम का चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज ये जो हमारे पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, इसको चेंज करना हो, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, इवन दो कि आपके कंप्यूटर में कुछ पिक्चर्स हैं तो वो ब्राउज करके आप ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में वो कहाँ पर है। तो कोई भी पिक्चर अगर आप अपने कंप्यूटर से लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमने ये पिक्चर ले ली, तो ये पिक्चर इस तरह से लग जाएगी। फिर इस पिक्चर को मुख्तलिफ स्टाइल में लगा सकते हैं, फिट करके लगा दें इसको, और स्ट्रेच करके लगा दें, टाइल करके लगा दें, या फिर आप इसको सेंटर करके लगा दें, या फिर आप इसको स्पैन करके लगा दें। तो जैसे चाहें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर से पुरानी पिक्चर लगानी है तो यहाँ क्लिक कर दें, पिक्चर पे क्लिक करके सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे तो कोई भी कलर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेट सपोज तो उस तरह के कलर्स इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड कलर नहीं चाहते, फिर आप क्लिक करके स्लाइड शो लगा दीजिए। स्लाइड शो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पिक्चर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगी। किस तरह से चेंज होंगी ये देखिए, ब्राउज कर लें, जहाँ पर आपकी सारी फोटो सेव है उस फोल्डर में चले जाएं। जैसे मेरी फोटो सेव है डॉक्यूमेंट्स में जाके लेटेस्ट के फोल्डर में, और उसको सिर्फ चूज फोल्डर कर दिया। तो यहाँ पर देखें जितनी फोटोज मेरे फोल्डर में होंगी, हर 1 मिनट में वो फोल्डर बैकग्राउंड में चेंज होती रहेगी। ठीक है, आप इसके टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं 1 मिनट में नहीं 10 मिनट में हो, तो यहाँ से 10 मिनट में बता दें। आप चाहते हैं 30 मिनट में हो तो 30 मिनट बता दें। आप चाहते हैं रोज़ाना एक पिक्चर चेंज हो तो रोज़ाना एक पिक्चर चेंज हो जाएगी, और 1 मिनट कर देंगे तो फिर एक एक मिनट में पिक्चर्स चेंज होती रहेंगी। पिक्चर्स को लगाने का वही स्टाइल्स जो लगाना चाहे। और अगर आप स्लाइड शो नहीं चाह रहे तो पिक्चर लगा दें, वॉट एवर जो पिक्चर आपको सूट करती है वो इस पर अप्लाई कर दें, वो आपको यहाँ नज़र आएगी। फिर ऑप्शन है कलर्स का। कलर्स का जो ऑप्शन है वो अप्लाई होता है हमारी विंडोज़ की ऊपर। जैसे ये इसकी थीम्स नज़र आ रही है, तो अब कलर थीम्स में मैंने अभी ली हुई है डार्क थीम, लाइट थीम, तो इसको मैं डार्क कर दूंगा। इधर के सारा डार्क हो गया, अब सारी विंडोज मुझे डार्क में नज़र आएंगी। और इसी तरह से अगर मैं इसको लाइट कर दूंगा तो सारी विंडोज मुझे लाइट पे नजर आएंगी। इस तरह से कह रहा है चूज योर डिफॉल्ट विंडोज मोड। विंडोज का डिफॉल्ट मोड क्या रखना है, लाइट रखना है या डार्क रखना है। लाइट कर देंगे तो विंडोज का डिफॉल्ट मोड जो है वो लाइट हो जाएगा, अभी सारी विंडो आपकी लाइट हो गई है। और अगर डार्क रखेंगे तो ये आपका विंडोज का डिफॉल्ट मोड जो है वो डार्क रहेगा। चूज योर कलर स्कीम, फिर लाइट या डार्क दो स्कीम है जिसमें रखते हैं। इसमें तरीका ये होता है दिन के टाइम लाइट कर लें, रात के टाइम डार्क कर लें, ताकि आंखों में स्नॉचिंग ना हो। और भी कलर्स हैं जो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, कस्टम कलर्स करके अपने कलर्स भी बना सकते हैं। और शो एंसेंट कलर ऑन द फॉलोइंग सरफेस, स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन पे भी अप्लाई हो तो यहाँ पे क्लिक कर दें, एसेंट कलर्स फिर इन पर भी अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिए जो कलर आपने यहाँ से चूज किया था वो कलर्स इस पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें से कर सकते हैं।